students <clears throat> today we will be starting your second chapter second unit which is inverse trigonometric functions okay now you have studied about trigonometric functions in detail in class 11th in trigonometric functions what we have x is equal to sine theta if x is equal to sine theta then theta can have any value 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree it can be any value okay now इफ एक्स इज इक्वल टू साइन थर्टी डिग्री और थर्टी डिग्री इन प्लेस ऑफ थर्टी डिग्री राइट पाई बाय सिक्स वट इज इट्स वैल्यू साइन थर्टी डिग्री इज वन बाय टू टेबल वैल्यू ओके नाउ साइन फोर्टी फाइव डिग्री इज साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू साइन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री इट्स वेल्यू इज रूट थ्री बाय टू अब हमारे पास यहाँ पर क्या है हम जो एंगल्स हैं ये जो वैल्यूज हैं ये हम रख रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है ये ये वैल्यूज हमने रखी और हमें आंसर मिल गया ये ये जो हम वैल्यूज डालते हैं जो वैल्यूज हम रखते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं डोमेन और ये जो रिजल्ट आता है वैल्यूज आती हैं इसको हम बोलते हैं रेंज आर फॉर रेंज और आर फॉर रिजल्ट ठीक है तो ट्रिग्नो के केस में क्या था जो एंगल्स थे हमारे एंगल्स थे हमारे ये जो एंगल्स थे ये हमारा डोमेन का काम करते थे और ये जो वैल्यूज थी हमारी ये हमारी थी रेंज रेंज का, का काम करती थी ठीक है अब अगर मैं क्या करती हूं मैं लेती हूं x इज इक्वल टू साइन सिक्सटी डिग्री ठीक है तो साइन अगर मैं इधर ट्रांसफर करती हूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री अब अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया है कि बताओ साइन इनवर्स वन बाय टू क्या है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे रीड करते हैं कैसे समझते हैं इसका ये मतलब होता है कि साइन की वैल्यू वन बाय टू कौन से एंगल पे होती है तो साइन वन बाय टू कौन से एंगल पे होता है थर्टी डिग्री के एंगल पे साइन इनवर्स वन बाय रूट टू तो साइन की वैल्यू वन बाय रूट टू कौन से एंगल पे होती है फोर्टी फाइव डिग्री के तो इस केस में क्या हो गया इन्वर्स के केस में क्या हो गया हम क्या रखते हैं वैल्यूज रखते हैं और जो आंसर मिलता है हमें वो क्या मिलता है एंगल्स मिलते हैं आंसर तो इस केस में इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा अब ये जो रेंज थी यहां पर जो रेंज थी वो यहां पर क्या बन जाएगी डोमेन और जो ट्रिग्नो के केस में डोमेन थी वो बन जाएगी रेंज ठीक है तो इसको समराइज करते हैं कि ट्रिग्नो में क्या था हमारा वाई इज इक्वल टू साइन थीटा था तो डोमेन वहां पर क्या थी डिग्री थी या एंगल्स थे और रेंज क्या थी जो वैल्यू निकल करके आती थी और इन्वर्स ट्रिग्नो के केस में क्या है अगर वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स है तो डोमेन क्या होगी यहाँ पर x जो नंबर्स होंगे जो वैल्यूज होंगे हम डालेंगे वन बाय टू रूट थ्री बाय टू वन बाय रूट टू जो भी हम डालेंगे वो होगी इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी जो एंगल्स निकल करके आएंगे वो उसकी हो जाएगी रेंज स्टूडेंट्स ये है रेंज और डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो कि आपकी पीडीएफ फाइल में भी गिवन है ये आपको अच्छे से याद रखनी है लर्न करनी है दिमाग में रखनी है क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे तो ये आपके पीडीएफ में भी इसका गिवन होगा तो इसको आपने अच्छे से करना है तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि आपको याद रखने हैं तभी आपके जो है फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स ये जो तीनों है ये क्या करते हैं माइनस को निकाल है, है, बाहर निकाल देते हैं वॉमिट कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं माइनस को और लेकिन ये जो तीन है ये क्या करते हैं माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं साथ में पाई देते हैं जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लीज लर्न दिस दीज फॉर्मूलाज बाय हार्ट नाउ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चन लाइक फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू तो इसका क्या मतलब हुआ cos की वैल्यू रूट थ्री बाय टू कब होती है कहां पर होती है तो so, इसकी वैल्यू कॉस रूट थ्री बाय सॉरी कॉस रूट थ्री बाय टू कहाता है पाई बाय सिक्स पे पाई बाय सिक्स मतलब थर्टी डिग्री पे ठीक है तो थर्टी डिग्री बिलोंग करता है इसकी रेंज क्या है कॉस की कॉस इन्वर्स की जीरो टू पाई मतलब जीरो से वन एटी डिग्री तो थर्टी डिग्री लाई करता है इसके बीच में तो इसका मतलब ये हमारा जो है आंसर ठीक है सेकेंड अगर हम ले वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू तो यहां पर क्या कंसेप्ट लगेगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो चलिए यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एक्स क्या है वन बाई टू पाई अब कॉस की वैल्यू वन बाय टू कहां पर होती है पाई बाय थ्री पे तो ले लो LCM, थ्री पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय थ्री थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री मतलब वन ट्वेंटी डिग्री का एंगल कॉस इन्वर्स की रेंज क्या है जीरो से पाई तो ये वन ट्वेंटी आ रहा है इसके बीच में जीरो से वन के बीच में यस तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है अगर मैं लेती हूं y इज इक्वल टू साइन माइनस वन बाय टू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स राइट तो माइनस का माइनस ही रहेगा साइन की वैल्यू वन बाय टू कहां पर होती है पाई बाय सिक्स में तो पाई बाई सिक्स लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में थर्टी डिग्री हुआ ना तो माइनस थर्टी डिग्री आता है माइनस नाइनटी और नाइनटी के बीच में हाँ आता है स्टूडेंट uh, ये आपकी क्लोज ब्रैकेट्स हैं क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपने इलेवंथ में सेट्स में पढ़ा था क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये चीजें जो है ये क्या हो रही है हमारी बताइए सो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये इंक्लूड हो रहे हैं और अगर ओपन हो तो इट मीन ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं हमारे अब ये लेते हैं क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकालनी है मगर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमारे एक से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं तो इस केस में हमें रेंज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती कि जो हमारा आंसर आएगा वो पर्टिकुलरली किस रेंज में आएगा क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली एक जो है हमारा फंक्शन सिंगल नहीं है यहाँ पर दो है टेन इनवर्स वन कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू पहले दीजिए वैल्यू होती है पाई बाई फोर पे पाई एज इट इज आ गया माइनस कॉस की वैल्यू वन बाय टू कब होती है पाई बाय थ्री पे तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय फोर इन दोनों का एलसीएम लिया टू पाई बाय थ्री तो इसको किया सॉल्व तो हमारा आ गया इलेवन पाई अपॉन ट्वेल्व इसी तरह अगर हम देंगे स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री तो सेकेंड इनवर्स सीधा टू बाय रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है पाई बाय सिक्स अगर हम ये लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस टू तो टेन इनवर्स रूट थ्री एज इट रहा तो माइनस का माइनस सेकेंड वर्स ऑफ माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेकंड वर्स एक्स तो इसको खोल देंगे ये माइनस इसके साथ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टेन की वैल्यू रूट थ्री कब होती है पाई बाय थ्री पे ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस पाई बाय थ्री तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय थ्री सिमिलरली स्टूडेंट्स हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू कॉट इन माइनस रूट थ्री तो कॉट अगेन कॉर्ट ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इन एक्स पाई का रहा पाई तो कॉट की वैल्यू रूट थ्री कब होती है पाई बाय सिक्स पे होती है तो हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स फाइव पाई बाय सिक्स मतलब वन फिफ्टी डिग्री का एंगल है 150 डिग्री है तो इसका इंटरवल क्या है जीरो से पाई ये जीरो से 180 के बीच में लाई कर रहा है तो 150 फिफ्टी इसके बीच में है हा बिलोंग कर रहा है तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है थैंक यू